इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और मशहूर वकील मुकुल रोहतगी की सिलेक्शन कमेटी ने उनके नाम पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद उनका नाम राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। बता दें, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने ही सरकार को 15 दिन के अंदर लोकपाल का नाम तय करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पिनाकी चंद्र घोष बने देश के पहले लोकपाल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बन गए हैं। वे लोकपाल कमेटी के अध्यक्ष होंगे। जुडिशियल मेंबर जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। कमेटी में शामिल अन्य मेंबर्स हैं दिनेश कुमार जैन, अर्चना राम सुंदरम, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। जस्टिस पीसी घोष इस वक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने वाले जस्टिस घोष का नाम लोकपाल के लिए चुने गए 10 नामों में से एक था। ये है जस्टिस पीसी घोष के चर्चित फैसले। जस्टिस पीसी घोष कई मशहूर फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उनकी ही बेंच ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता और उनकी सहेली शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चलाने का फैसला दिया था। जस्टिस घोष और जस्टिस अमिताभ राय की बेंच ने दोनों को अपने लिए लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जनता का पैसा इस्तेमाल करने का दोषी ठहराया था। जस्टिस घोष की खंडपीठ ने ही बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में साजिश रचने के आरोप में 2017 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह के खिलाफ ट्रायल कोर्ट को आरोप दर्ज कराने के लिए कहा था। इस खंडपीठ में उनके साथ जस्टिस आर एफ नरीमन थे। घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में भी उनके फैसला चर्चित रहा। जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद और जस्टिस घोष की एक बेंच ने घरेलू हिंसा के मामले में फैसला दिया था। इससे जुड़ी घटनाओं में ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा करना अदालत की अवमानना माना जाएगा। कंपनी अफेयर्स, संवैधानिक और सिविल लॉ के माहिर हैं जस्टिस घोष। जस्टिस घोष ने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। 1976 में वे एडवोकेट के तौर पर पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से जुड़ गए। उन्हें कंपनी अफेयर, आर्बिट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल लॉ का विशेषज्ञ माना जाता है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.